हेलो दोस्तों, आज हम समझेंगे कंप्रेसर के बारे में। जैसे कंप्रेसर में हमारा फ्रिज में कंप्रेसर का क्या काम होता है, तो फ्रिज में जो हमारा कंप्रेसर लगा होता है वो फ्रिज के बैक साइड में लगा होता है, वो नीचे वाले भाग में हमारा जो बड़ा सा दिखने वाला होता है उसे हम कंप्रेसर के नाम से जानते हैं। इसका काम क्या है कि हमारे जो फ्रिज में गैस होती है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का काम करती है, जैसे कि एक तरफ से खींचना और दूसरी तरफ से डिस्चार्ज लाइन से फेंक देना। तो इसका काम हमारे फ्रिज में गैस से दूसरे स्थान से पहुंचाना होता है। दूसरे नंबर पे हमारा ये कंडेंसर, कंडेंसर हमारे फ्रिज के पीछे वाली तरफ की लगा होता है, जो जाली की तरह हमको दिखता है, इसे हम कंडेंसर के नाम से जानते हैं। और इसका कार्य यही होता है कि गैस को ये भाप से द्रव में बदल देता है, जैसे कि भाप से मतलब कि लिक्विड में बदल देता है। इसका काम इतना ही होता है। और हमारा जो तीसरे नंबर पर लगा होता है वो हमारे फ्रिज में फिल्टर, जैसे फिल्टर का काम क्या होता है, ये ड्रायर फिल्टर कहा जाता है इसको, जैसे हम ड्रायर फिल्टर के नाम से जानते हैं। इसका कार्य यही है, जो हमारा गैस होता है ना उसको छानता है, छान के शुद्ध कर और आगे की तरफ भेज देता है। और जो हमारे चौथे नंबर पे हमारा जो लगा होता है फ्रिज में, वो कैपलरी, कैपलरी हमारी ये फ्रिज में 31 नंबर की लगी होती है। इसका काम बस यही है कि गैस को कंट्रोल करना और भाप से और फिर लिक्विड को फिर भाप में बदल देना। और जो हमारा पाँचवें नंबर पर लगा होता है फ्रिज में, वो एवोरेटर है। एवोरेटर हमारे फ्रिज के अंदर को तरफ देखने को मिलता है। इसका काम यही है, इसी में हमारा बर्फ़ जमता है। जो हमारा ये अंदर की तरफ लगा होता है ना, इसी में हमारा बर्फ़ जमता है। इसके अंदर गैस घूमकर फिर कंप्रेसर में चली जाती है। और अंदर जो हमारे एवोरेटर के बगल में जो लगा होता है उसे हम थर्मोस्टेट के नाम से जानते हैं, जो हमको कंट्रोल करने में मदद करती है। इसको हम इसकी मदद से हम फ्रिज को कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना ठंडा करना है हमको। और पूरा सिस्टम देखने के लिए ऐसा दिखेगा दोस्तों, सिस्टम अगर पूरा के सिस्टम को लेकर चलें तो ऐसा दिखेगा। और जो हमारे फ्रिज में गैस यूज़ होती है, जैसे कि फर्स्ट नंबर पे है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हम पहले फ्रिजों में यूज़ होती थी, पर अब नहीं मिलती है, ये मिलती है बहुत कम मिलती है। और जो दूसरे नंबर पे हमारा R600, ये जो गैस होती है हमारे फ्रिज में, आज की डेट में ये बहुत ही रनिंग में है गैस है। ये R600 फ्रिज जो फ्रिज में लगती है ना, ये बहुत ज़्यादातर यूज़ हो रही है। और ये जो गैस है ना, वो जलनशील है। और जो हमारी तीसरे नंबर पे है वो R134 है, ये भी गैस बहुत ही रनिंग मॉडल में है अभी। ये थोड़ी सी भारी गैस होती है, इसलिए कंप्रेसर थोड़ा लोड लेके चलने के बाद में दोस्तों ये कंप्रेसर हमारा जो होता है थोड़ा ज़्यादा हीट ज़्यादा होता है। और जो हमारा R600 है ना, उससे कंप्रेसर हमारा नॉर्मल चलता है, वही इसीलिए आज के डेट में वो रनिंग में है। ये हमारी R134 थोड़ी सी कम यूज़ हो रही है, मगर हो रही है ना, मात्रा में हो रही है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में फिर से नई वीडियो लेके।